स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। विदिशा में सभी कांग्रेस के लोग एकजुट होकर सिटी कोतवाली पहुंचे, FIR की गई मांग। उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी लोकसभा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने इसीलिए हम सभी लोगों ने थाना कोतवाली पहुंचकर दोनों भाजपा नेताओं के बयानबाजी और राहुल गांधी का अपमान करने तथा उन्हें आतंकी कहने से हम सभी कांग्रेसजन को आहत हुआ है, इसीलिए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। क्या शिकायत लेकर कोतवाली थाने में आए? हमारे राष्ट्रीय नेता हम सबके सम्मान्य राहुल गांधी जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के द्वारा उन्हें आतंकवादी कहना, देशद्रोही कहना, ऐसे परिवार का सदस्य जिसके पूरे परिवार ने इस देश की आज़ादी, देश की लड़ाई लड़ते हुए शहादत में उसके परिवार की दादी, उसके पिताजी आतंकवादियों के शिकार हुए, ऐसे परिवार के ऊपर देशद्रोही जैसे, आतंकवादी होने जैसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए एक राज्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं उनके खिलाफ में हमें FIR दर्ज कराने के लिए विदिशा सिटी कोतवाली में थाना प्रभारी जी के पास आए। अभी आवेदन दिया है कि FIR कराने की बात? हमने FIR कराने के लिए आवेदन दिया है, अगर FIR दर्ज नहीं होगी फिर हम आगे देखेंगे। गौड़से की विचारधारा के लोग हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता कोतवाली आए थे, क्या मांग है उनकी, क्या आवेदन दिया है? ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए KKR न्यूज।